नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 के कुछ मेन क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आखिर इस एक्सरसाइज में क्या है। हम पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक, क्लास 9th NCERT मैथ्स। इस टॉपिक पर मैंने पहले 5 बेसिक लेक्चर्स भी डाल चुका हूँ, उम्मीद करता है कि आपने वो भी देखे होंगे और आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी आखिर ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व होते हैं। सभी के पास ये वाली बुक होगी एनसीईआरटी की, इससे ही आगे बढ़ेंगे हम और एक्सरसाइज 6.2 पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि उस क्वेश्चन में क्या डिमांड है और हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको। दोस्तों, मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे, प्रैक्टिस नहीं है सही आपकी तो आप खराब स्कोर करोगे। ठीक है, तो हमेशा अपनी प्रैक्टिस को आगे रखना। सही है, आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ आपको गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं एक्स में 50 ऐड कर दूं, अगर मैं एक्स में 50 ऐड कर दूं तो वो बन जाता है इक्वल टू 180। बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि x प्लस 50 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, वो दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं और स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस का 50, तो ये आता है 130 डिग्री। x से यहाँ से आता है 130 डिग्री। ठीक है, यहां आप देखिए, अगर मुझे y निकालना हो तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? y इज इक्वल टू 130 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि y और 130 आपस में क्या है? इक्वल है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो एंगल आमने सामने के होते हैं उनको बोलते हैं कि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दोनों आंसर आ जाते हैं। यहाँ पर x प्लस 50 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि x प्लस 50 मिलकर बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन। वहां से x की वैल्यू 130 आती है और y भी इक्वल टू होगा 130 के। क्यों? क्योंकि y और 130 आपस में इक्वल हैं, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, अगर आपने बेसिक पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है सेम एक्सरसाइज का। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, लाइक करते रहिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी नीड है इन वीडियोस की, उनके साथ इसको शेयर भी करिए। ठीक है, शेयर करेंगे तो जो आपके नीडी फ्रेंड्स हैं उनको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डायग्राम दे रखा है, इसमें भी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ पहले मैं, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। तो आपको ये दे रखा है यहाँ पर, इसमें गिवन है आपको, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और गिवन है कि वाई रेशियो जेड है दैट इज इक्वल टू 3:7। फाइंड एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी सी डी और ई एफ तीनों आपस में पैरेलल हैं
और वाई और जेड के बीच में जो रेशियो है दोस्तों वो दे रखा है मुझे 3:7 सॉरी। आपको वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, वैल्यू आपको एक्स की फाइंड करनी है। आते हैं सॉल्यूशन पे दोस्तों, अगर ये वाला एंगल वाई है तो ये भी वाई होगा ना या नहीं होगा? अगर एंगल ये वाला वाई है तो ये भी वाई होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों? बिकॉज ये आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्यों? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, कि दो लाइन दे रखी है पैरेलल और एक साइड के दोनों अंदर के एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अगर दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं और एक लाइन बीच में काट रही है इनको, तो दोनों एंगल अंदर के जो होते हैं इनको बोलते हैं हम दे आर को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम जो है दोस्तों 180 डिग्री होता है, इनका सम जो है वो होता है 180 डिग्री। तो यहां पर जो है आपको वाई की वैल्यू, वाई और जेड में दे रखा है मुझे रेशियो कितना है, वो 3:7। तो अगर मैं वाई को मान लूं कि जो है वो 3a है, तो जेड हो जाएगा 7a, क्योंकि वाई जेड में रेशियो कितना है, 3:7 है, इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो 7 और 3 10, टेन ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 10। तो यहाँ से ए की वैल्यू आती है 18 डिग्री। वाई मैंने माना कि वो 3a है, तो 3 × 18 तो 54 डिग्री हो गया। जेड माना मैंने 7a है, तो 7 × 18 8 × 7 = 56, तो ये आ गया 126 डिग्री हो गया, ठीक है। वाई और जेड मेरे पास आ गए। सिमिलरली दोस्तों देखो, एक्स और वाई भी जो है ना, एक्स और वाई भी जो है आपस में को इंटीरियर हैं। एक्स और वाई भी क्या है, आपस में को इंटीरियर हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक्स और जेड आपस में क्या है, ऑल्टरनेट है। भाई अगर मैं देख लूँ कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, भाई अगर ए बी पैरेलल सी डी के है, सी डी पैरेलल ई एफ के है, तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल है ई एफ के भी। अगर ए बी पैरेलल है ना ई एफ के, तो उससे हम कह सकते हैं अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं दोस्तों, तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि एंगल एक्स इज इक्वल टू जेड होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो जेड तो हमारा आ गया, तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 126 डिग्री। दोस्तों एक डॉगी हमने पाला हुआ है, तो रात में थोड़ा डिस्टर्ब करता है, आवाज आपको आ सकती है, ध्यान मत देना, हम ध्यान देंगे अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू होता है 126 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू आ गई हैं, हमें फाइंड करना था x, और x हमारा यहाँ पर आ गया कितना, 126 डिग्री आ गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो नहीं आया यहाँ पर, को इंटीरियर क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें देखी। इन सब का बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था पहले, ठीक है। अगर इसलिए बोलता हूँ कि पहले की वीडियोज़ देखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी तो यहाँ ये क्वेश्चन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यह पक्की बात है कि आपको ये समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है कि जय ये जो लिखा हुआ है को इंटीरियर मतलब क्या है इसका, या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल क्यों होते हैं, ये सब बातें आपको समझ में देर से आएंगी अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड डायग्राम दे रखा है इसमें, अभी ड्रॉ करके देखते हैं एक बार।
यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एंगल 90 का है, जब भी ये साइन आ जाए इसका मतलब है कि एंगल 90 का दे रखा है आपको। गिवन है दोस्तों, यहाँ पर गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। हमें फाइंड करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि इस डायग्राम में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, साफ साफ दिख रहा है। आपको दे रखा है कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इसका मतलब होता है कि जो है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये एंगल 90 का होगा, ये भी एंगल 90 का होगा, ये सिंबल 90 का होता है। जी ई डी, दोस्तों एक तो एंगल पढ़ने आने चाहिए आपको, है ना, बहुत गलती करते हैं बच्चे इस चीज़ में। एक्चुअली क्या होता है कि जो है कि ये ज्योमेट्री का जो मेन पार्ट है ये स्टार्ट ही 9th क्लास से होता है, तो इसलिए जो है बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वो जो छोटी क्लास हैं 6th 7th 8th ठीक से बेसिक समझ के नहीं आते, वहाँ रट के आते हैं। कोई बात नहीं, एंगल जी ई डी, तो जी स्टार्ट करना है जी से, तो जी ई और डी, तो एंगल इसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो ये जी ई डी, ये आपका एंगल है जी ई डी, ठीक है। ये पूरा देखा है कितना आपको 126 डिग्री, बात समझ में आ रही है। तो जरा आप मुझे देख के बताओगे इसमें, हम आते हैं सोल्यूशन पे, तो जी ई डी को मैं क्या ये लिख दूँ, जो जी ई डी है इसको मैं ये लिख दूँ आपका जी ई एफ, ये एंगल ये वाला जी ई एफ प्लस 90 डिग्री, भैया 90 में अगर मैं ऐड कर दूँ जी ई एफ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वो जी ई डी बन जाएगा। तो इसको लिख दिया मैंने एंगल जी ई एफ प्लस 90। तो दोस्तों जी ई डी दे रखा है मुझे 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस 90, तो यहाँ से एंगल जी ई एफ आ जाता है 126 माइनस का 90, इसका मतलब है 36 डिग्री, एंगल जी ई एफ जो है वो आ गया 36 डिग्री। तो जी ई एफ निकालना था मुझे, इट कम्स 36 डिग्री। ए जी ई, दोस्तों ए जी ई जो है, ए जी ई क्या ये इक्वल नहीं होगा जी ई एफ के, जी ई डी के, सॉरी, ये और ये आपस में कैसे एंगल्स हैं, ये वाला ए जी ई और जी ई डी कैसे एंगल्स हैं आपस में, ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल जो आपस में इक्वल होते हैं। तो दोस्तों ए जी ई जो है वो इक्वल टू है एंगल जी ई डी के, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 126 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बचा एफ जी ई, एफ जी मतलब कि ये वाला एंगल, एफ यहाँ पर है ना, एफ जी और ई, ये एंगल निकालना है आपको। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो है बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ये बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन। दोस्तों ए जी ई आ गया है कितना 126 डिग्री, यहाँ पे ऐड कर देते हैं एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री। तो यहाँ से आंसर आता है 10 में 6 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री आपका एंगल एफ जी ई आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तीनों एंगल आ जाते हैं, ये आ जाएगा 54 डिग्री, बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे हुआ ये वाला। दोस्तों आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बेसिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसलिए जो है, लेकिन जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने 3 आपको, आपका फ़र्ज ये बनता है कि इनको नोट करके प्रैक्टिस करिए। अगर आप इनको नोट कर लेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको हाफ एन आवर से ऊपर लगेगा, लेकिन ये हाफ एन आवर अगर आप लगा दोगे ना अभी लेक्चर के बाद, तो आपको बाद में बहुत फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम टाइम में आप ये चीज़ भूलने के नहीं हो। और अगर आप चाहोगे कि मैं इकट्ठा करता रहूँ कोई बात नहीं, मैंने देख तो लिए वीडियो, प्रैक्टिस ना करूँ,
तो इकट्ठी हो के जो है ना बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है जो आराम से रिवाइज नहीं हो पाता। रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। रिविज़न इज़ मस्ट। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, यहाँ तक कि पास भी होना है, तो रिविज़न के बिना आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स में क्या, इन एवरी सब्जेक्ट रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस। रिविज़न से ही आपका भला हो सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।